वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जो डीआई का हमने क्वेश्चन किया है, वीकली टेस्ट नंबर 2। इसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं डीआई के लेवल 1, मतलब सबसे इजी क्वेश्चन है। सिर्फ अभी हम समझेंगे कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 to 6 में क्या दे रखा है। फॉलोइंग डेटा टेबल, यानी इस बार क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, डेटा टेबल पर। एंड आंसर द क्वेश्चन, तो दिया क्या है डेटा में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीआई में, हमें समझना है कि डेटा में क्या दे रखा है। तो रिजल्ट दे रखे हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्लास 9 इन अ स्कूल। इसी स्कूल के क्लास 9 का रिजल्ट है हाफ ईयरली एंड एनुअल। देखिए तो रिजल्ट में क्या शो किया है, इसमें चार चीजें शो रखी हैं, स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम, और इस चार सेक्शन की डेटा है, और उसमें चारों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे हैं। यानी डेटा में हमें क्या गिवन है, स्टूडेंट फेल या पास हुए हाफ ईयरली या एनुअल में, और चार सेक्शन का डेटा है। स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द एग्जाम, सेक्शन ए में इतने, बी सी डी में इतने, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बस पास्ड इन एनुअल एग्जाम, थर्ड इज स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, एंड लास्ट इज स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जाम। तो चारों सिचुएशन के लिए चार सेक्शन का अलग अलग हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, विच सेक्शन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पूछ लिया, पास फेल से कोई मतलब नहीं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, यानी क्या समझना है, हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस सेक्शन में सबसे ज्यादा है, यानी हमें सम करना है। देखिए डीआई में एक चीज और समझनी होती है कि कैलकुलेशन कैसे कम से कम करनी है। तो देखिए डेटा को एक बार जरा ध्यान से देखिए, सेक्शन ए में देखिए स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द एग्जाम, सेक्शन ए में सबसे ज्यादा है, स्टूडेंट पास्ड इन हाफ ईयरली, फेल्ड इन हाफ ईयरली बस पास्ड इन एक्चुअल एग्जाम, ये भी सेक्शन ए में सबसे ज्यादा है, और स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द एग्जाम भी सेक्शन ए में सबसे ज्यादा है। सिर्फ इसमें 6 पर है ये, लेकिन सबसे ज्यादा है 17, तो ज्यादा डिफरेंस देखिए इसमें है नहीं, तो तीन सेक्शन में, तो इसलिए आप खुद से कैलकुलेट कर लिएगा, लेकिन साथ साथ की ट्रिक सीखते रहिए कि कैसे हम जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा सेक्शन ए, तो सेक्शन ए यानी कि ऑप्शन नंबर बी, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है सेक्शन ए में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ईदर ऑफ द बोथ एग्जाम बट नॉट बोथ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो कि फेल हो गए इन ईदर ऑफ द टू एग्जाम, यानी या तो हाफ ईयरली में फेल हुए या फिर एनुअल में फेल हुए, बट नॉट इन बोथ, लेकिन दोनों में फेल नहीं हुए। यानी हमें डेटा चाहिए सिर्फ ये वाला, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली इन दिस, स्टूडेंट फेल्ड इन हाफ ईयरली बट पास्ड इन एनुअल, या फिर पास्ड इन हाफ ईयरली और फेल इन एनुअल, सिर्फ ये डेटा चाहिए। तो हमें ये टोटल नंबर, यानी इन सीधे इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना। तो जल्दी जल्दी हम ऐड कर सकते हैं, देखिए 14 और 6 20, और 12 और 17 29, यानी 30 लगभग 50 के करीब, एंड देन 70 67 66 के करीब, एंड 13 और 5 28, 66 और 28 लगभग 95 के आसपास, देखिए 95 के आसपास है, 94। तो देखिए मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ मेंटल कर रहा हूँ, उसमें कोई एग्जैक्ट आंसर मैंने निकालना, मैं एक रेंज पता करना चाह रहा हूँ। वैसे तो सिंपल एडिशन था, हम कर भी सकते थे डायरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 94। 3 पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एट लीस्ट वन एग्जाम, जो कम से कम एक एग्जाम में पास हो गए। तो एट लीस्ट वन एग्जाम में देखिए, एट लीस्ट वन एग्जाम में आएगा, मैं इस ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये वाला भी आएगा स्टूडेंट, ये भी एक एग्जाम में पास हुए हैं, और ये भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिए, वो कह रहा है एट लीस्ट वन एग्जाम में पास हो गए। तो पास इन एटलीस्ट वन एग्जाम का मतलब है जो हाफ ईयरली में पास हुए सिर्फ, या फिर जो सिर्फ एनुअल में पास हुए, एनुअल प्लस बोथ, क्योंकि एटलीस्ट में ये वाली कंडीशन भी आ जाएगी, बोथ एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एग्जाम में पास हुए, तो दोनों हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए अभी हमें क्या करना है, देखिए ये अभी हमने ऐड किए थे, तो पिछली कैलकुलेशन को हम हेल्प लेते हुए चलेंगे, ये अभी हमने ऐड किए थे पिछले क्वेश्चन में, आंसर आया था 94।
94 तो हमें ये मिल गया, प्लस अब ये जो लास्ट वाला डेटा है ये हमें ऐड करना है इसमें, 64 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 25। तो ये देखिए ये दोनों मिलके 5 और 6 ये हो गया 101, और ये मिलके हो जाएगा इसमें 165, 165 और 25 मिलके हो जाएंगे 190, एंड 190 प्लस 94 ये लगभग 100 मान ले, 300 में से 6 यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 101 दिस वन, तो आंसर आ जाएगा हमारा 284, दिस विल बी आवर आंसर। देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन भी हम ऐसे ऐड करते हैं ताकि इनका सम 10 में आ जाए, ताकि ऐड करने में हम आसानी हो। अब सिर्फ हमें लास्ट में जब 190 तक आ गए तो 190 में ये 94 ऐड करना है, तो 100 करेंगे तो 290, उसमें से 6 कम कर दिए तो 284। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ एग्जाम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ एग्जाम। जो फेल हुए हैं उनका रेशियो करना है जो पास हुए, यानी मैं अब ग्रीन कलर से आपको शो करता हूँ, हु फेल्ड इन बोथ द एग्जाम ये एंड हु पास्ड, इनका रेशियो। तो एक तरीका तो है कि टोटल सम कर दो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट अगर हम सोचे तो क्या हो सकता है, देखिए 28 है ये 64 है, यानी 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है इनका रेशियो। ऐसे 23 55, 23 का डबल 46 और 23 का ट्रिपल 69, उसके बीच में कहीं है। ये भी वही डेटा है, तो इन तीन डेटा तक तो लगभग ये था, लेकिन इस वाले डेटा में ये क्लोज है, कम हो गया। तो आप इसको सम करके देखिए, इसके मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए इसमें आंसर 1:2। देखिए 1:2 क्यों लिया मैंने, कि पहले तीन डेटा से का अगर मैं रेशियो लूं तो लगभग ये आ रहा है 1:2.5 के अराउंड, जो फेल हुए हैं उससे जो पास हो रहा है वो लगभग डबल और ट्रिपल के बीच में कहीं है, नहीं 2.5 अप्रोक्सीमेट एक अंदाजा मेरा ये था तीन तक, लेकिन चौथे डेटा में क्या हुआ है कम हो गया, तो ये ड्रॉप कर जाएगा, तो इसके नीचे जो आंसर हमें दे रखा है वो सिर्फ 1:2 है। दिस विल बी अवर आंसर। फिफ्थ, द स्टूडेंट हु पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, हु पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमसे कहा क्या गया है, पास्ड इन हाफ ईयरली बट फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, यानी दिस वन, इस डेटा की बात हो रही है। फेल्ड इन एनुअल एग्जाम, इस डेटा की हम बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा वीडियो बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इस देखिए इस डेटा पर हम आ जाते हैं, तो इसमें हमें क्या देखना है, अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए या तो इनका आप सम कर लो, डिवाइड बाई टोटल करके निकाल लो। तो ये देखिए 6 17, 23 प्लस 9 32 एंड दिस 47। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो आ रहा है हमारा, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे 47 और टोटल स्टूडेंट है 379, तो इसका हो जाएगा 100% से। आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन 40/360, देखिए हाँ भी अप्रोक्सीमेशन हम करेंगे, 40/360 होता तो ये हो जाता 1/9, 1/9 को डिवाइड करते 100 से, तो ये 11.11% के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें दोनों बढ़ाना है, तो देखिए इसके सबसे क्लोज आंसर कौन सा आ रहा है, हम अब ये देखेंगे, 11.11 के सबसे क्लोज है 12%। दिस विल बी अवर आंसर। द स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ एग्जाम आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर। अब कह रहा है बोथ एग्जाम में जो फेल हुए, दिस इज द बोथ एग्जाम, ग्रीन कलर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ दिस वन, तो इसका आप सम कर लिए और फिर देखिए क्या रेशियो आ रहा है। इसका हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 95/3
379 इंटू 100%। अब देखिए 95 अपॉन 379 है, इसे अगर हम अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो देखिए ये 90 अपॉन 360 अगर होता, इससे हमें एक रेंज का अंदाजा मिल जाता है। इसे अप्रोक्सीमेट कर लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 25% के करीब आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से थोड़ी सी वैल्यू ऊपर बढ़ाई डिनोमिनेटर, तो ये लगभग 25 के आसपास ही रहेगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 to 12 में दे रखा है पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट में हमने डिस्कस किया था अपनी क्लासेस में जो हम कर रहे थे कि दो तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो परसेंटेज बेसिस पे करते हैं या फिर डिग्री बेसिस पे। परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है और डिग्री जब हम करते हैं तो आउट ऑफ 360 होता है। तो ये आवरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली एक्टिविटी, तो डेली एक्टिविटी, डेली का मतलब है एक दिन, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24। यानी ये जो चार्ट है ये 24 आवर्स में दिखा रहा है कि वो कितना अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे स्लीपिंग में 120 डिग्री, अदर 60, स्कूल में 105, होमवर्क, गेम्स। तो ये आउट ऑफ 24 आवर्स हम निकाल सकते हैं कितना आवर्स करता है। पूछा क्या है, हाउ मच टाइम डज द स्टूडेंट स्पेंड इन डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने में कितनी देर लगती है उसे। तो होमवर्क देखिए यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है 45 डिग्री से। हमें पता है जब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो 45 अपॉन क्या कर देंगे 360, क्योंकि आउट ऑफ 360 है, 360 का मतलब है टोटल यानी 24 आवर्स। तो 45 टू जर 90 एंड 94 यानी 1/8, तो दिस विल बिकम 3। यानी होमवर्क में कितना टाइम दे रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 आवर्स। What is the ratio of the time spent by student in games to that spent in sleeping? Ratio बताना है, time spent by the student in games to that of sleeping. तो देखिए ratio निकालने के लिए हमें पूरी value की जरूरत नहीं है, games और sleeping का ratio पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 30 degree और 120 degree है तो सीधे इन्हीं का ratio निकाल सकते हैं, 30:120 degree। याद है हमने क्लासेस में सब डिस्कस किया था कि अगर सेम पाई चार्ट है तो हम रेशियो डायरेक्ट ले सकते हैं, अगर अलग अलग पाई चार्ट के ये एंगल होते तो हम नहीं लेते। तो ये हो जाएगा 1:4। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मच मोर टाइम। देखिए यहाँ लैंग्वेज पे देखिएगा, हाउ मच टाइम नहीं पूछा है, हाउ मच मोर टाइम डज द स्टूडेंट स्पेंड ऑन स्लीपिंग देन डूइंग अदर एक्टिविटीज। स्लीपिंग और अदर एक्टिविटीज में कितने ज्यादा परसेंट वो टाइम स्पेंड कर। तो देखिए स्लीपिंग तो 120 डिग्री है और अदर एक्टिविटीज है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन 9 में सबसे पहले तो ये समझिए वो पूछ क्या रहा है आपसे, हाउ मच मोर, तो कितना मोर करता है टाइम वो। अगर डिग्री के टर्म में कहें तो 60 डिग्री करता है ज्यादा टाइम, ठीक है। परसेंटेज डूइंग अदर एक्टिविटीज, तो देखिए 60 डिग्री करता है, अदर एक्टिविटीज के रेफरेंस में निकालना है, क्योंकि निकालना किसका है, स्पेंड ऑन स्लीपिंग, और रेफरेंस क्या है हमारा, अदर एक्टिविटीज। तो जो भी रेफरेंस होता है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में इंटू 100%। ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 100%। यानी 100% ज्यादा टाइम वो स्लीपिंग में देता है जितना कि अदर एक्टिविटीज में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टाइम स्पेंट इन स्कूल रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, टाइम स्पेंट इन स्कूल, स्कूल इज 105 डिग्री। तो डिग्री को हम जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखना है कि 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। अगर परसेंटेज होती और उसे डिग्री में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई कर देते, और डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 3.6 से। तो यहाँ हमें डिग्री पता है, स्कूल के डिग्री वो दिखा रहा है पाई चार्ट में 105 डिग्री, तो इसे परसेंटेज में बनाना होगा, तो 3.6 से डिवाइड कर दो। 3.6 से यानी 10 से मल्टीप्लाई, दिस वन
जा 12, 3 जा 35, 10 तो हट जाएगा क्योंकि डेसिमल साइन हटा दिया, 2 से गया ये 6 और ये आ गया 5, तो ये आ गया 35 × 5/6। अब देखिए पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर देखिए 36 होता तो ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री हो जाता, अगर 36 होता तो ये 30 आ जाता, लेकिन 36 की जगह 35 है, यानी 30 से छोटी कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल क्लोज, तो आंसर हो जाएगा 29 डिग्री। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको कैलकुलेशन टाइम बचाने में यूज होती है, ये आप सीखते हुए चलिए, अभी हमारे पास टाइम है तो आराम से हम सीख सकते हैं। डिफरेंस इन टाइम स्पेंड बाय स्कूल एंड स्लीपिंग, तो देखिए स्कूल में था 105 डिग्री, स्लीपिंग में है 120 डिग्री, यानी कितने डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट कर लूं टाइम से, यानी 24, तो मुझे आवर्स पता चल जाएंगे, तो 15 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 15 × 2 = 30 एंड 30 × 12 =, तो 2 × 12 = 24, तो ये पूरा कर दिया, यानी आंसर आ गया 1, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 आवर। देन हाउ मेनी आवर डज द स्टूडेंट स्लीप, तो स्लीपिंग के लिए देखिए 120 डिग्री है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, 360 से डिवाइड करो, क्योंकि डिग्री में वैल्यूज है, परसेंटेज में होती है, तो 100 से डिवाइड करते हैं, इनटू टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इज 24, ये 1/3, 3 से ये गया 8, आंसर इज ऑप्शन बी, 8 आवर्स। नेक्स्ट पर आते हैं डेटा सेट पर, इसमें हमें क्या दिया, लाइन ग्राफ दिया है देखिए, और लाइन ग्राफ में दे रखा है, The line graph given below shows the trend of consumption of a metal by a state over a period of time. तो units consumed दिया है y axis पर, years दे रखे हैं x axis पर, और ये data consumption of metal है, ये कह रहा है total consumption in the year was 100 units. 100 unit किसका बनेगा, तो ये option wise है, option wise आप सीधे value रख के देख सकते हैं, तो अगर हम इसमें आएंगे option number B पर, 10, 11, देखिए इसमें है 10, देन 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस दिस वन 30, तो देखिए ये मिलके हो गया 60 और ये मिलके हो गया 40, तो दोनों का सम हो गया 100, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में कह रहा है एवरेज मेटल कंजम्पशन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एवरेज, तो देखिए 4 का तो हम कर चुके हैं, तो इनका एवरेज तो आ गया 25, अब दो और बचे, दो क्या बचे, एक 20 और एक 15, यानी 35, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 135, 100 इसका सम आया था, 35 इसका है, 135/6। अब ऑप्शन देख लिया आप पहले, 20, 25, तो देखिए 18, ये सब ऑप्शन तो हो नहीं सकते, 25 पे 150 होता है या 120 होता है, सिर्फ ऑप्शन बचा डी, तो देखिए ऑप्शन से हेल्प लेंगे, कैलकुलेशन अपनी इजी करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं कैलकुलेशन। परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन फ्रॉम ईयर 2011 to 12, 11 में देखिए ये है डेटा और 12 में ये है, यानी हो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में 11 में डेटा है कितना कंजम्पशन है 25 और 12 में कंजम्पशन इंक्रीज होके हो गया 35, तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब हुआ कितने यूनिट इंक्रीज हुआ 10, और रेफरेंस क्या लेंगे, ओल्ड वैल्यू, हमेशा ओल्ड वैल्यू इज अवर रेफरेंस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 40%, 25 × 4 = 40%, तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट पर आते हैं 16, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन फ्रॉम 2013 to 2014, 2013 में ये है 30 और 30 से डिक्रीज हो गया 15, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ होगा, 30 - 15 और रेफरेंस होगा ओल्ड वैल्यू इनटू 100%, तो ये आ जाएगा 15/30, 1/2 इनटू 100%, यानी कि 50%, हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 50%।
नेक्स्ट पर आते हैं, रेशियो बिटवीन द कंजप्शन ऑफ मेटल इन ईयर 2010 एंड 40। सिंपल रेशियो है 2010 और 40। 2010 में ये है 10 यूनिट्स और 14 में है 15 यूनिट्स, 10 और 15। तो इनका रेशियो पूछ रहा है, सिंपल है ये तो क्वेश्चन 17, 10:15 हो गया 2:3। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2:3। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन इज लाइन ग्राफ। कंजम्पशन ऑफ मेटल इन ईयर 2012 इज व्हाट परसेंट ऑफ इट कंजम्पशन इन द ईयर 2010। तो पहले तो कंजम्पशन 2010 का तो 10 है और 12 का कितना है 35। ये पूछ रहा है कितने परसेंट है। अब देखो परसेंट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस वैल्यू आप किसे ले रहे हैं और न्यूमरेटर में किसे रखना है, डिनोमिनेटर में। तो किसका पूछा है, देखिए कंजम्पशन ऑफ मेटल इन द ईयर 2000 पूछा 12 का है, तो जिसका भी पूछा होता है वो ऊपर आएगा। इज व्हाट परसेंट ऑफ इट कंजम्पशन इन द ईयर 2010 इनटू 100% बना देंगे हम, तो ये हो जाएगा 350%। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 350%। लास्ट डेटा सेट है इसमें बार ग्राफ, और क्या दिया है इसमें, डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ अ कलर टीवी सेट ऑफ 5 कंपनीज ए बी सी डी ई इन ईयर 2030। तो एक बार ग्राफ डिमांड का है, एक प्रोडक्शन का है। ये देखिए जो शेडेड है वो डिमांड है और जो अनशेडेड है वो प्रोडक्शन है। 5 कंपनीज है ए बी सी डी ई, तो डिमांड और प्रोडक्शन की यूनिट वाई एक्सिस पर है, कंपनीज हमने शो कर रखी है एक्स एक्सिस पर। अब देखिए क्या क्या पूछा है, हाउ मेनी कंपनीज हैव मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, यानी उनकी डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से। तो देखिए डिमांड वाला जिसमें बार ग्राफ ज्यादा है, कंपनी ए में हो रहा है ऐसा, बी में नहीं है, सी में हो रहा है, डी में नहीं है और ई में हो रहा है, यानी 1, 2, 3 कंपनीज ऐसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 3 कंपनीज ऐसी हैं इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी इज दैट ऑफ कंपनी ए, यानी प्रोडक्शन को ही कंपेयर करना है दोनों का, कंपनी डी और कंपनी ए का। तो कंपनी डी का देखिए प्रोडक्शन शो हो रहा है अनशेडेड से, तो ये रही वैल्यू 2700, और कंपनी ए का प्रोडक्शन है ये 1500। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, यानी 27 को हम अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि कंपनी डी का पूछा तो वो ऊपर आएगा, वो कंपनी ए आएगा डिनोमिनेटर में, उसे डिवाइड कर दे, 3 से डिवाइड कर देंगे 9/5, तो ये हो जाएगा 1.8। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1.8। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज। देखिए प्रोडक्शन की बात हो रही, प्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 21 में अगर मैं वैल्यूज लिख लूं, देखिए 3000 है प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन देखिए अनशेडेड है, ये ध्यान रखना है। दो बार ग्राफ में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 2200, इसका हमें निकालना है एवरेज, यानी इसका सम करो और डिवाइड कर दो 5 से, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए सबके बीच में जीरो तो आनी है, यानी 22 एक तरीके से अगर मैं ऑर्डर में लिख लूं, देखिए 10 15 18 22 27, देखिए इसके बीच में 18 वाली वैल्यू से देखिए कितना कम है 3, और ये कितना कम है 8, ये कितना ज्यादा है 4, और ये कितना ज्यादा है 9, तो लगभग 2/5 यानी 0.4, 1840 ऐसा कुछ आंसर हो रहा है, ये रहा देखिए दिस वन। आप देखिए सिंपल सम करके भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए, ये हमने क्लास में सब डिस्कस किया आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ना एज्यूम मीन मेथड, एक मीन हम अपनी तरफ से एज्यूम करके और फिर आंसर दे देते हैं, तो वही हमने किया है। इसको भी क्लास में और डिस्कस करेंगे, जब भी डीआई की क्लासेस होंगी तो हम शॉर्टकट जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम बचाना मेन होता है। What is the difference between average demand and average production of the 5 companies? देखिए क्या क्या पूछ रहा है, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये आपसे पूछ रहा है, एक तो डिफरेंस पूछ रहा है किसके बीच में, एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर।
तो देखिए एवरेज डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। तो देखिए पहले हम डिमांड और प्रोडक्शन का ही डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर एवरेज ले लेंगे। तो इंडिविजुअली हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 3000 माइनस ये हो गया 1500, प्लस इसमें प्रो डिमांड ज्यादा है तो प्लस में दे रहा है, ये देखिए माइनस हो जाएगा। और फिर ये माइनस हो जाएगा देखिए, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है। इस तरीके करने का फायदा ये है कि देखिए ये सब कैंसिल हो जाएगी चीजें जो हमें बाद में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करती। यहाँ क्या बचा 200, तो लास्ट क्या बचा हमारे पास 1300 के अराउंड आ रहा है। और फाइव कंपनीज है, तो अगर मैं फाइव से डिवाइड कर दूं तो देखिए कौन सा आंसर आ सकता है। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या बचा 280। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ओ यहाँ प्लस 1500, सॉरी, तो 1400 बाई फाइव। तब भी देखिए रेंज से हमें आंसर क्लियर पता चलिए क्या होगा, ऑप्शन सी 280। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ कंपनी सी इज टू द डिमांड ऑफ कंपनी बी। 23 में देखिए डिमांड ऑफ कंपनी सी कितनी परसेंट है डिमांड ऑफ कंपनी बी के। तो बिल्कुल सिंपल ऐसे निकालना होता है। डिमांड ऑफ कंपनी सी देखिए डिमांड क्या है, शेडेड कंपनी सी का शेडेड पोर्शन है 2500, तो ये आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई डिमांड ऑफ कंपनी बी। डिमांड ऑफ कंपनी बी इज ओनली 600। व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड इज द डिमांड, ओ सॉरी, देखिए बी के लिए पूछा है विद रेफरेंस टू सी, तो हमारा सी इस बार रेफरेंस है, तो हमेशा जो रेफरेंस होता है वो ऊपर आएगा और जिसका पूछ जो रेफरेंस है वो नीचे आएगा, जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा। 200%, ये 20 से 20। देखिए अगर 24 होता या फिर 25 से सीधे से आप डिवाइड कर दिए 4 टाइम्स, तो 4 6 24, आंसर विल बी ऑप्शन सी 24%। ये हमारे डीआई के क्वेश्चन थे जो अभी हमने बिल्कुल बेसिक शुरू की है, तो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे डेटा आता है, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ये अब हमारी क्लासेस शुरू हो गई, हमारी कोचिंग क्लासेस, एंट्रेंस क्लासेस, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डेटा को समझना और साथ साथ ये ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट हमें कैसे यूज करना है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था वीकली टेस्ट 2 का। अब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो जो आज हम क्लास लेंगे उसमें फिर से इसे डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।